हाँ दोस्तों, मेरा नाम देवव्रत अग्रवाल है और हमेशा की तरह एक टूल मैं आपके सामने लेके आया हूँ और ये मैंने अपने लिए परचेस किया है। ये है मैट और ये माइक्रोस्कोप की मैट है। आप जैसे कि देख रहे हैं, काफ़ी हार्ड मैट है, काफ़ी अच्छे मटेरियल से ये फिनिशिंग है इसकी। और इसके अलावा भी एक मैट आती है दोस्तों, जिसमें सिर्फ सिलिकॉन की मैट यूज़ की है, पर वो भी काफ़ी हार्ड है और वो भी काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया। सच बताओ तो वो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में भी लगाया है और काफ़ी अच्छा है। तो इसका जो सरफेस हम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल रिपेयरिंग में माइक्रोस्कोप के नीचे, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी थिन है और हमें काम करने में आसानी जाती है। यहाँ माइक्रोस्कोप हम लगा सकते हैं ताकि उसमें नीचे हमें ब्रॉडर एरिया, जो वाइड स्पेस हमें काम करने के लिए मिले। बेसिकली क्या होता है, माइक्रोस्कोप के साथ जो एरिया मिलता है, जो नीचे मैट होता है या जो उसका स्टैंड होता है, तो वो बहुत छोटा होता है, बहुत मोटा होता है, बहुत ऊपर तक उसकी हाइट होती है, तो जिस पे हम पीसीबी भी नहीं रख पाते हैं। अगर हम मैट रख के काम करें तो मैट नहीं रख पाते, तो लोग इंडियन जुगाड़ू काम से उसको चलाते हैं, जैसे कि मैं चलाता हूँ। मैं भी आपको दिखाता हूँ और उसको इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इंस्टॉल होगा और उसके बाद कैसे लगेगा। ये लिया हुआ है हमने और ये इंडिया में सबसे कम प्राइस पर हमने लिया है और ये लिया हमने ZX मलिक से। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी और भी लोग ये दे रहे होंगे, कितने का भी दे रहे होंगे। आप एक बार उनसे प्राइस लीजिए ZX मलिक से, आप व्हाट्सअप कीजिए उनको और बेहतर होगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसमें और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये मलिक साहब दावा करते हैं, पर मैं नहीं, पर हाँ, पर सही दावा करते हैं कि वो आपको अच्छे रेट में जेन्युइन और एक अच्छा माल आपको प्रोवाइड कराएंगे, घर बैठे आपको मिल जाएगा। आपको कहीं भी किसी भी शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर नेपाल में भी आपके अगर घर है, अगर आप नेपाल में रहते हैं, तो वो नेपाल में भी कुरियर आपको हो जाएगा। और दोस्तों, एसे टेलीकॉम के साथ में तो आप हमेशा ट्रस्ट बने रहें और मेरा मलिक के साथ काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जेन्युइन प्रोडक्ट आप परचेस करें उनसे, बाकी हर जगह हर कोई ना कोई चीज़ मिली। मैं इसके दाम वीडियो में तो नहीं बताना चाहता क्योंकि बहुत कम है और मैं इसमें कुछ किसी प्रकार का मार्केट में कोई जो प्राइस का फ्लो है उसको अप डाउन नहीं करना चाहता। इसलिए आप इनको कॉल कीजिए और ये परचेस कीजिए, काफ़ी अच्छा है। इसमें कंपोनेंट होल्डर बने हुए हैं और काफ़ी अच्छा है। इसमें काम करने पे आपको एक मज़ा आएगा और एक वाइड एरिया आपको मिलेगा। बेसिकली आजकल जो मैटिंग आ रही है इस तरह की, जो खाली से मैट यूज़ कर रहे हैं 500-250 रुपए की, तो वो मैट में दोस्तों हो क्या रहा है, कहते तो हैं कि 500 डिग्री सेल्सियस तक काम कर जाती है, पर वो जनरली 300-400 में भी फूल जाती है। अब वो रीज़न ये होता है कि 500 डिग्री सेल्सियस उसको बताया गया है, पर जब कंटिन्यूस अगर हम 390 भी उसको हम दें, सो कुछ सेकेंड के बाद में वो फूल जाता है और वो अच्छा नहीं दिखता दोस्तों उसके बाद में। और हालांकि काफ़ी अच्छा है, एक लॉन्ग लास्टिंग एक प्रोडक्ट है ये, और क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी है और ये डायरेक्ट चाइना से माल लाते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये किसी दूसरे यहाँ से माल खरीद के आपको देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आप इनसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। मैंने अपने लिए लिया है पर्सनल अपने काम करने के लिए और जितना हम सीखते हैं उतना ही हम सिखा सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। तो हमेशा सीखना कभी भी मत छोड़िए और ज़िंदगी भर सीखते रहिए। अगर आप कहेंगे कि आपको सब कुछ आता है तो मुझे लगता है कि उस दिन आपने शायद सीखना बंद कर दिया है। तो चलिए इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको अपना जुगाड़ सिस्टम दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का ये मेरा सिस्टम मैंने बना के रखा हुआ है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये सामने मेरा माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। नीचे मैं हालांकि एक मैट यूज़ करता हूँ, पर वो अभी मैंने हटा दिया है इस वीडियो के दौरान। सो यहाँ पर कि मेरे मैकेनिक का बहुत अच्छा एक पीसीबी होल्डर है, मैं इसके बारे में भी आपको एक बताऊँगा आगे, जिस पर मैं इस तरह से काम करता हूँ यहाँ पर। और अगर मैं इसको किनारे कर दूँ, क्योंकि अभी तो इसका कोई काम है नहीं है, चलिए। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितना खाली स्पेस मुझे मिल जाता है। रीज़न क्योंकि ज़्यादातर जो टेक्नीशियंस होते हैं वो इस तरह से करते हैं कि वो इसकी जो आगे की जो स्टैंड होता है उसको पीछे कर लेता है, जैसे कि मैंने किया है। इसमें मैंने दो लाइट है, एक मेरी ये नॉर्मल लाइट जो होती है और वह एक मैंने अलग से एक लाइट लगाई हुई है, और इसका भी मैंने वीडियो बना के अलग से डाला हुआ है। अगर आपके पास नहीं है इसका वीडियो तो आप इसको मेरे वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो। ये जो अलग से मैंने लाइट है वो मैंने अपने अलग से लाइट लगा के रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैंने इस पर काम किया हुआ है। तो बेसिकली मैंने पीछे यहाँ पर तो हैवी मटेरियल यहाँ पर रख दिया हुआ है। पहले मैं इसको कैमरा निकाल देता हूँ।
और ये लाइट भी निकाल देता हूँ दोस्तों। ये लाइट बंद कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, अब आपको दिखाई दे रहा होगा आई होप। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने ये लाइट निकाल दी है और इसको मैं आगे करता हूँ, तो आप देखेंगे ये देखिए इस तरीके का एक हैवी मटेरियल अगर आप जुगाड़ करना चाहे तो रख सकते हैं। इसमें मैंने ब्रिक रखी हुई है। अब बेसिकली जो आप लोग सेटअप करते हो नॉर्मल वो इस तरीके से कुछ सेटअप करते हो। इसमें मैं कैमरे को दोस्तों बहुत आसानी से मूव भी कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे अगर मुझे काम नहीं करना है तो मैं इस साइड मूव कर लूँगा या तो इस साइड मूव कर लूँगा। तो जनरली जो कैमरा आता है वो ऐसे कुछ सेटअप में आता है, ये देखिए। अब यहाँ पे काम करने के लिए ऐसी कोई स्पेस मिलती ही नहीं है कि हम यहाँ पे काम कर सकें और इसमें काम हो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ये देखिए कितना मोटा है यहाँ पर, कितना बड़ा है। ऑलरेडी जब हम इसमें मैंने 0.5 का लगाया है, अभी बेटर 0.7 होता है, तो फिर भी जो हम लगाते हैं लेंसेस उसमें हमें वो एक एक्चुअल हाइट नहीं मिल पाती है काम करने में, क्योंकि सरफेस पे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, तो चलिए आपके सामने इसको निकालते हैं और एक दूसरे वाला फिट करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने अपने माइक्रोस्कोप का ये स्टैंड निकाल दिया है, अब आसानी से मैं इसको लगा सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपके सामने ये तैयार है। यहाँ पर कैसे लगाया, क्योंकि एक हाथ से लगाया था इसलिए मैं दिखा नहीं सका वीडियो में। आप देख रहे होंगे यहाँ पर तीन आपको यहाँ पे स्क्रू दिख रहे होंगे जो इस एल की से आपको खोलने पड़ते हैं, और जब आप माइक्रोस्कोप खरीदते हैं तो ये आपके साथ में आता ही है, नहीं तो आप इसको अलग से परचेस कर सकते हैं। तो अब ये लग गया है यहाँ पर और अब ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है दोस्तों देखने में, और काफ़ी एक वाइड जो एरिया मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको। और ऐसे ही आप अपना भी माइक्रोस्कोप के साथ कर सकते हैं बहुत ही कम दाम पर। मैं दाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मार्केट एरिया है और मेरे कहने से दाम बहुत फ्लक्चुएट हो सकते हैं, इसलिए ये मेरा माइक्रोस्कोप यहाँ लग चुका है पूरी तरीके से। अब मुझे जो एरिया यूज़ करना है मैं करूँगा, बाकी अपने माइक्रोस्कोप को मैं इस तरह से रखूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जो मुझे एरिया यूज़ करना है वो मैं कर सकता हूँ, और जब मुझे माइक्रोस्कोप यूज़ करना होगा तब मैं इसको सीधे ले लूँगा, नहीं तो अनलेस उसको साइड कर दूँगा। तो बेसिकली बूम स्टैंड माइक्रोस्कोप की जो दोस्तों ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैं आज भी आपसे ये कह रहा हूँ अगर आप बूम स्टैंड माइक्रोस्कोप खरीदने के चक्कर में है तो बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के लिए दिखावा के तरीके है। और जनरली इंडिया में इस तरह की टेबल्स ही नहीं बनती है, जैसे देखिए हमारी जो टेबल्स होती है वर्किंग टेबल वो इतनी चौड़ी होती नहीं है जहाँ हम बूम स्टैंड माइक्रोस्कोप लगा सकें, और कुछ मतलब नहीं है। आप यहाँ पर भी देखो आपका पूरा आप खुला हुआ है, आप आसानी से यहाँ पर पेस्टिंग या कुछ भी कर सकते हैं और उसके बाद ये माइक्रोस्कोप को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आए वीडियो, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये मैंने अपना सेटअप लगाया है यहाँ पर, और अब पहले से मुकाबले आप अगर देख रहे होंगे वीडियो को आप स्विच करके देखिएगा, पहले के मुकाबले अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस पर जो मुझे जो यहाँ पर छोटे छोटे होल्डर्स मिले हुए हैं वो भी मैं यहाँ पर अपने कॉम्पोनेंट रखने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, और साथ में मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से काम भी कर सकता हूँ। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब वीडियो इसलिए डालता हूँ, क्यों डालता हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं सब वीडियो क्यों डालता हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए डालता हूँ दोस्तों क्योंकि मेरे से जुड़े हैं बहुत सारे लोग और वो टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं, नए नए टूल्स किस तरह के, और बहुत सारे वीडियो भी आपको देखते होंगे। पर क्योंकि ये मेरा चैनल है तो मुझे भी लगता है कि मैं आपको जितना हो सकता है टूल्स के लेके अपडेट करता रहूँ।
और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नए टूल्स के अपडेट बताऊंगा, तो कनेक्ट रहेगा और जुड़े रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ट्रिक ये है कि जो यहाँ आकर नहीं सीख पाया वो कहीं नहीं सीख पाया। अच्छा, बस यही बात। और क्या कहना चाहेंगे, क्यों वहाँ इंसिडेंटली को? क्योंकि सर यहाँ जो जो ट्रिक दी जाती है वो मतलब जैसे नहीं कहते हैं किसी को पिला दिया जाए, उस एंगल से आप लोग बताते हैं कि मतलब उसको एकदम दिमाग में एकदम बैठ जाता है। जैसे किसी को रख दिया समय बोझा तो सर उस पर पड़ा रहेगा, उसको उतरने वाला नहीं है ना, ये डिलीट होगा यहाँ से। अब दिल से बोल रहे हैं क्या? सर मैं दिल से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ, मतलब झूठ नहीं बोलते हैं। आईडी नहीं, सही बात है, झूठ नहीं बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो झूठ बोलते ही नहीं, और हमारे डाउट डाउट थे सब सब क्लियर हो गए। चलिए, किसी और को देने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं बिल्कुल। कॉप भी ऑनलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हो। सीपीयू पे काम कर सकते हो, सीपीयू उठाकर रिमोट कर सकते हैं, पेस्टेड वाला भी। जी सर बिल्कुल, अभी भी है मेरे पास, अभी ये बोर्ड है सर। अच्छा, ये वाला बोर्ड है, क्या काम किया इसको थोड़ा दिखाइए। एमसी निकला, ये वाला एमसी, ये पेस्टेड है। हाँ सर, पेस्टेड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड, यहाँ पे एमसी निकाला है इन्होंने। और अभी अच्छा दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने यहाँ पर आने के पहले जो अपनी एडवांस बुकिंग यहाँ पे करवाई थी, तो वो एडवांस बुकिंग में इनको डाउट हो रहा था कि मैं यहाँ पर सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। अभी डाउट क्या सर, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? यहाँ पे मेरे साथ में दूसरी क्लास चल रही है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, उसमें कितने स्टूडेंट है करीब? तकरीबन कितने हैं? 40। कितने स्टूडेंट हैं सर? 40। 40 स्टूडेंट हैं। आप एक बार करें, आप मुझे एक बार बताओ कि आप उनसे मिलते भी हो क्योंकि एक ही हॉस्टल में रहते हो सर? तो आप लोग ने आते साथ ही उनसे पूछा होगा क्या फीडबैक रहा उन 40? सर फीडबैक एक नंबर का था सर, कि मतलब बता रहे थे कि सर पढ़ाने का जो तौर तरीका है सर एक नंबर का, मतलब बताते हैं जो हमारे दिमाग में ना फीड हो जाता है सर, उसमें मत कोई भी डाउट नहीं रहता कि अब इसको दोबारा बताने की जरूरत है, और उसके बाद अगले दिन से हम उस पर काम करने लगते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपसे ईएमसी वालों से पूछ रहा हूँ अपने हार्डवेयर वालों का फीडबैक, जो कि बहुत एक कमाल की बात है। सर बताइए, आप दुकान पे काम कर रहे थे अपना, कब से काम है आपको, कितना एक्सपीरियंस आपका? 5 साल से। 5 साल से आपको अब क्यों लगा कि मुझे एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए एज अ शॉपकीपर, एज अ टेक्नीशियन? मुझे जहाँ मैं फंसता था, मुझे लगता था मुझमें बहुत कमी है, लेकिन यहाँ आने पर लगा कि सारी कमी अब दूर हो चुकी है। अब मुझे ऐसा लगे एमसी करने के बाद, मुझे ऐसा लगा मेरा कुछ और मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है हार्डवेयर से, जो कि मैंने हार्डवेयर के लिए अप्रैल के लिए क्लास ज्वाइन किया। मतलब आपने, दोस्तों मैं बता दूं, इन्होंने हमारी हार्डवेयर की अप्रैल की क्लास को पहले से बुक करा के रखा हुआ सर, जो कि मार्च में मेरे कुछ फ्रेंड ने करवाया, मार्च में। हाँ। मार्च में सीट खुलने का मेरा नहीं हो पाया, इनको अप्रैल में मिला हुआ है। और तो आपने इजी टेलीकॉम को चुना, यहाँ आए पहले दिन और अब के में कितना अंतर है, क्या आप सेटिस्फाई हैं यहाँ आकर, ये बता दो। मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, बिल्कुल सेटिस्फाई हैं यहाँ पर। तो पहले दिन और अब अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे? क्या बोल, बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा। अच्छा, आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होंगे, तो हमारे लिए चीज में क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया सर? आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शुरू से मतलब शुरू से, और अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है तो वो सब बोलते हैं सब एसी टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि सब ये पूछते हैं, इन्होंने रिव्यू भी लिए लोगों से, और वो ये बोलते हैं कि एसी टेलीकॉम बेस्ट है, इसलिए आप यहाँ आए। वहाँ से सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था, रिटर्न हो जाता था कस्टमर, तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए एसी टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में। एक महीना पूरा पढ़ा आपने? पूरा पढ़ा सर, उसके बाद मैं तो घर में जाके बहुत से सेट बनने, पूरा पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ कुछ सेट अटका जो एमएनसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट मैं क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं, यूफाई नहीं है, अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे, क्योंकि आपको एमसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना? हाँ सर, तो मेरा यूफाई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ये ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज में अटक रहा हूं, मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर बेस्ट मेरे को लगा कि एमएनसी में यही से करूँ एशिया टेलीकॉम से। अच्छा, तो मैं अच्छा सबसे काम कर रहे हैं सर, मेरा कॉन्फिडेंस हो गया, 6 साल से कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं 4 साल से चीफ लेवल का काम करने के लिए कोशिश कर रहा था सर। हाँ, से हाँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था सर। मतलब आप समझ गए कि ये काम को सीखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है सर। जी सर, क्योंकि अकेले से सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा, सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप YouTube से देखकर कितना सीख सकते हो सर? YouTube से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, कुछ चीजों का पता लग सकता है, नहीं सर, सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो
जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ आज और पहले दिन में कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके मैं आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से इसे टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने इसे टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है? पहनी है। पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया तो बना लेता है, क्या होता है मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो पावर ऐसे निकाले और लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा। अरे आपको आएगा नहीं? हाँ, पकड़ के सिखाने का तरीका मतलब दोनों पावर सही बात है। एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो पैसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो तरक्की बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैंने यहाँ पे गए हुए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा, और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। फॉलो कर रहे हैं, हम बोले सर हमें पैसे नहीं दिए, बोले मेरा दिल बोल रहा है,
यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं से मतलब इसके अंदर। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.